हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ थायराइड ग्लैंड का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस की और इसके सीक्रेशन की। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो एक बेसिक सा वीडियो मैंने बनाया था थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोबारा से जस्ट टू रिफ्रेश। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो हमने बात की थी थायराइड हार्मोन के एक्शन की, कि किस तरीके से थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं इसका। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से रिलीज होता है TRH, और वो क्या करते हैं वो वहां से जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के, ये इसकी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से ये रिलीज कराते हैं TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH जो होते हैं फिर ये वाया ब्लड वेसल्स ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लेरिंग्स के जस्ट थोड़ा सा इन्फीरियर, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड और ये सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन्स, और इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स, दीज आर स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनसे होता हुआ यहाँ पे फॉलिकल्स जो थे, इसका हमने एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा था कि फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलोइड, और फॉलिकल्स के अंदर ही यहाँ पे सिक्रीशन होता है T3 और T4 हार्मोन्स का, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, और फिर सेल में जो टारगेट सेल होता है वहाँ जाकर के ये T3 और T4 जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। जो मेनली जो ये T4 हार्मोन्स होते हैं ना, T4 हार्मोन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट में T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, और ये T4 हार्मोन्स इनसाइड द टारगेट सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3 हार्मोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज डीआयोडीनेज एंजाइम्स, क्लियर। तो ये जो एक एंजाइम है बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। T3 जो होता है इट मींस दिस इज वर्किंग एज एन एक्टिव हार्मोन, तो यही हार्मोन जो होगा सारी एक्टिविटीज को करने में हेल्प करेगा, तो ये एक्टिव हार्मोन है, राइट। सो ये बेसिक सा आपका इसका रिवीजन था इस पर्टिकुलर डायग्राम का। और यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ और होती है कि ये T3 और T4 जो होते हैं ये नेगेटिव फीडबैक लूप देते हैं, ताकि दो जगह पे नेगेटिव फीडबैक लूप देंगे ये, एक तो यहाँ पे दैट इज़ ये पिट्यूटरी को बोलेंगे कि अब तुम TSH रिलीज मत करो बिकॉज वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ T3 एंड T4, या फिर जाकर के ये सीधा TRH की सिक्रीशन को भी स्टॉप करते हैं, वहाँ पे भी एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको रिलीज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब ये नेगेटिव फीडबैक होगा तो TRH TSH को रिलीज नहीं करेगा, TSH नहीं होगा तो यहाँ पे कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, और इसलिए T4 और T3 का प्रोडक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। और फिर वही जब कमी होगी तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप्स जो हैं वो हट जाते हैं, और उसके बाद ब्रेन को पता लग जाता है कि दैट वी रिक्वायर मोर ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स, और फिर से ये सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ थायराइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होंगे थायराइड हार्मोन्स। मेनली थायराइड हार्मोन्स दैट इज T3 एंड T4, T4 जो होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है क्योंकि उसमें चार आयोडिन होते हैं, और ये ट्राई आयोडोथायरोनिन है क्योंकि इसमें तीन ही आयोडिनस हैं, और T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बाई अटैचिंग आयोडीन टू द अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो ये जो टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है इसमें जाकर के यहाँ पे आयोडीन जो होगा वो जाकर के बाइंड करता जाएगा, ठीक है। आयोडीन के बाइंड होने की वजह से यहाँ पे T3 एंड T4 हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है या उसका प्रोडक्शन होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये होता किस तरीके से, ये प्रोसेस है क्या, कैसे होता है, ये सेल्स में कहाँ सिंथेसाइज होगा, किस ढंग से ये T3 एंड T4 सिंथेसिस होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड में वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो इतना सिंपल नहीं होता, इसके पीछे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह की सॉल्युबिलिटी होती है उसकी, मतलब ये वाटर सॉल्युबल हैं या फिर ये लिपिड सॉल्युबल हैं। तो बेसिकली थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टीरॉयड हार्मोन होता है ना, स्टीरॉयड हार्मोन भी लिपिड सॉल्युबल है, उसी तरीके से हमारा थायराइड हार्मोन जो होता है वो भी लिपिड सॉल्युबल ही होता है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की पाथवेज और वाटर सॉल्युबल हार्मोन की पाथवेज अलग अलग होती हैं, अगर आप चाहो तो मैं उसका एक सिंपल वीडियो और आपको बना के दे सकती हूँ। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लिपिड सॉल्युबल आखिर है क्यों।
तो ये लिपिड सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें दो बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, T3 एंड T4। ये देखो आप यहाँ पे, ये T4 हार्मोन है, दिस वन इज़ T4 एंड दिस वन इज़ T3, राइट। T3 और T4 दोनों ही हार्मोन्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इसी की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बेंजीन मॉलिक्यूल्स, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दोनों यानी T3 और T4 में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, दैट इज़ आयोडीन मॉलिक्यूल का। T4 में 1, 2, 3, 4 आयोडीन्स हैं और T3 में 1, 2 और ये 3, 3 ही आयोडीन है, राइट। तो सिर्फ इसलिए इन दोनों में सिर्फ इसी चीज़ का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 3-5-3-5 यानी थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन, इन चारों जगह पे यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे आयोडीन्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राई आयोडो बोलते हैं और इसको टेट्रा आयोडो बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सीक्रेशन देख लेते हैं, वो होता कैसे है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से क्या सिक्रीट होता है, वहाँ से सिक्रीट होते हैं TRH, और TRH जाएगा और वो किसके पास जाके एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे। ये क्या रिलीज करेंगे, TSH। TSH जो जाएगा वो वाया ब्लड वेसल्स, दैट इज वाया दीज वेसल्स, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके थ्रू जा करके जाएगा कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के पास। यहाँ पे सिंथेसिस क्या होगा T3 एंड T4 का, कैसे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के पास क्या प्रेजेंट है, फॉलिक्यूलर सेल्स, राइट। मैंने ये फॉलिक्यूलर सेल्स वाली वीडियो बनाई हुई है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, यहाँ पे ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये इसका इंटीरियर पार्ट देख रहे हैं हम, और ये वाला जो ल्यूमन वाला पार्ट होता है इसको हम मेनली बोलते हैं कोलोइड, क्लियर। तो यही फॉलिक्यूलर सेल्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। ये इसका आउटर सरफेस हो गया फॉलिक्यूलर सेल्स का, और ये इसका ल्यूमन है जिसको हम कोलोइड बोलते हैं, वो वाला पार्ट। तो ये एक ऐसे सिंगल सेल के फॉर्म में है, हम इतना इसका एक हम ये वाला सेक्शन यहाँ पे अभी मेनली देख रहे हैं, और यहीं साइड में प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स, और यहीं से ये ट्रांसफर होकर के TSH जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस T3 एंड T4, क्लियर। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होती हैं उनमें एक बड़ा अच्छा और उनका एक बड़ा पिक्यूलर फीचर होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो 100 डेज का हार्मोन सिक्रीट करके अपने पास हमेशा रखती है, मतलब इनके पास ये हार्मोन जो है ये स्टोर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टोर्ड फॉर्म में क्यों रखती है, इसका एक रीजन होता है। रीजन क्या है कि जरूरी नहीं कि जो भी चीजें हम डेली खा रहे हैं उसमें आयोडीन हो, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आयोडीन का सप्लाई जो है हमारी बॉडी को ना मिले। तो ऐसे केस में हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन्स सिक्रीट करना तो नहीं बंद कर देगी, क्योंकि T3 एंड T4 आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, दे प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर बॉडी मेटाबॉलिजम्स, हमारी बॉडी के ग्रोथ में, हमारी न्यूरोनल फंक्शंस में, बहुत सारी चीजों में इनका रोल होता है। तो उस केस में तो फिर सारा फंक्शन ही स्टॉप हो जाएगा। इसलिए एज एन अडेप्टेशन हमारी बॉडी ने ये एक अडेप्टेशन किया, और क्या हुआ कि इसके थ्रू हम कम से कम 100 दिनों का हार्मोन बना के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो स्टोर्ड फॉर्म होता है हार्मोन का वो T3 नहीं होता, मेनली ये T4 होता है। 99% से भी ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में T4 हार्मोन्स का होता है, क्लियर है। T4 हार्मोन स्टोरेज फॉर्म में रहता है। T4 हार्मोन जब ये हमारी बॉडी के किसी सेल को, पर्टिकुलर सेल को चाहिए होता है, तो क्या होता है, T4 जो होता है फिर वो उस पर्टिकुलर सेल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, T3 हार्मोन में। और ये कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 जो होगा वो एक एंजाइम के थ्रू होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीआयोडीनेज एंजाइम। और ये जो डीआयोडीनेज एंजाइम है ये मल्टीपल फॉर्म्स में होता है, डीआयोडीनेज 1, 2 एटसेट्रा, बट मैं यहाँ पे इसको सिंपली डीआयोडीनेज लिख रही हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। यानी ये वाला जो प्रोसीजर है वो कहाँ होगा, ये होगा हमारे किसी टारगेट सेल में, मतलब हमारी बॉडी का कोई ऐसा सेल जिसको ये हार्मोन चाहिए। तो T4 की जगह ये T3 में कन्वर्ट होगा, यानी T3 विल बी द एक्टिव हार्मोन, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन जो होगा थायराइड ग्लैंड का वो T3 होता है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब इस डायग्राम पे ज़रा फोकस करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में हमने, ये देखने में तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है बट है ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम, इसको वन बाय वन समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग का मतलब हो गया दिस स्टेप। सो इस वाले प्रोसीजर में होता क्या है, मेनली हम जो भी कुछ खा रहे हैं वहां से होता हुआ कुछ यहाँ आयोडाइड आयन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लियर। तो ये आयोडाइड आयन जो होते हैं ये हमारी बॉडी से ये थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स में चले जाते हैं। ये जाते कैसे हैं, वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे एनर्जी तो चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सिमपोर्ट के फॉर्म में जाएंगे मेनली, यहाँ पे सिमपोर्ट होता है इनका, इन आयोडाइड आयन्स का
आई माइनस, ठीक है, ये आयोडाइड आयोडाइड आयन के फॉर्म में रहते हैं, आयनिक आयोडाइड जो होते हैं वो सिमपोर्ट होते हैं या को ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द सोडियम आयन। देखो यहाँ पे आप, ये आयोडाइड आयन अलॉन्ग विद सोडियम आयन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फॉलिकुलर लेयर के अंदर, क्लियर। तो ये इसी को हम आयोडाइड ट्रैपिंग बोलते हैं। हमारी बॉडी का मैक्सिमम आयोडाइड आयन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, दैट इज स्टेप नंबर टू। इसको हम बोलते हैं TGB, तो TGB दैट इज थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। ये कहाँ होगा, ये यहाँ पे जो फॉलिकल सेल है इसमें होता है। फॉलिकुलर सेल्स में ये थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, जब ये आयोडाइड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है इसका। सिंथेसिस कहाँ होगा, कोई भी प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज करता है, कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के क्या माने जाते हैं, बादशाह। तो यहाँ पे राइबोसोम्स में यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और फिर ये इसकी पैकेजिंग होगी, अब ये यहाँ से पैक होकर के यहाँ से ये राइबोसोम से या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी में जाएगा, क्योंकि गॉल्जी में हमें क्या पता है, प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे जाकर के प्रोटीन यानी ये वाला जो प्रोटीन अभी सिंथेसाइज हो रहा है ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये यहाँ पे पैकेज्ड होगा। और इसके पैकेजिंग होने के बाद ये इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्रोटीन्स बने हैं अब इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी बॉडी को, तो ये क्या होता है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ये इसके सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में ये प्रोटीन होना शुरू हो जाएगा स्टोर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो देखो यहाँ पे TGB सिंथेसिस जब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये गॉल्जी में जाएगा, गॉल्जी से फिर ये सिक्रीटरी वेसिकल में जाएगा, सिक्रीटरी वेसिकल से फिर क्या होगा, ये बाहर रिलीज होगा आउटसाइड द फॉलिकल, यानी कि ये ल्यूमन ऑफ फॉलिकल जो है, ये जो ल्यूमन वाला एरिया है यहां पे अब इसको निकलना है, क्योंकि इसकी जरूरत यहां बाहर है। तो ये यहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ये आप देखो दिस पिंक दिस वन, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से ये TGB जो है ये कहां प्रेजेंट हो गया, अब ये आ गया हमारे ल्यूमन में, और यही प्रोटीन को यहां पे एनलार्ज करके दिखाया गया है, क्लियर। फिर आता है थर्ड स्टेप जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, दैट इज ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 2I- से I2 में कन्वर्ट होगा, दैट इज आयोडाइड से ये आयोडीन में कन्वर्ट होगा वाया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इस समय क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे मेनली यही हो रहा है कि ये 2I- से ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम मेनली ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, राइट। इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होना चाहिए और इसको आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होना चाहिए, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज आयोडीन। तो ये आयोडाइड से आयोडीन में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि टायरोसिन अमाइनो एसिड्स में जा करके क्या होता है, आयोडीन्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। तो ये टायरोसिन अमाइनो एसिड्स कहाँ होंगे, तो ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं TGB प्रोटीन्स में, इनके पास प्रेजेंट होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो इनके पास ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स हैं इसी में जा करके आयोडीन जो है वो क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। तो ये जो टायरोसिन है नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स हैं, दैट इज आयोडाइड आयन्स हैं, उनसे ये बाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको ऑक्सीडेशन करके आयोडीन में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टायरोसिन के साथ जा करके तब नेक्स्ट स्टेप में बाइंड करते हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ये जब ये I2 में कन्वर्ट होते हैं तो ये आउटसाइड द फॉलिकल सेल्स यानी ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल सेल्स में रिलीज होंगे, दिस इज द थर्ड स्टेप, और ये ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल सेल्स में रिलीज हो रहे हैं, राइट। और यहां पे एक प्रोटीन की जरूरत इनको फिर से पड़ती है, उसका नाम होता है पेंड्रिन, क्लियर। तो ये जो पेंड्रिन है ये क्या करता है, ये जो आयोडीन बना है इसको फ्रॉम द फॉलिकुलर लेयर टूवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द फॉलिकुलर लेयर, तो ये फॉलिकुलर लेयर की ल्यूमन तक पहुंचाने में इसको हेल्प करते हैं, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ से ये तीन स्टेप्स हमने अब तक देख लिए हैं, चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ। तो हमारे फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन, दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। और ये फोर्थ स्टेप में हो क्या रहा है, मेनली टायरोसिन जो किसका पार्ट है, ये जो टायरोसिन है हमारे पास ये पार्ट था किसका, TGB प्रोटीन का, जो TGB सिंथेसाइज हुआ था उसका। इसमें मेनली क्या होगा, यहाँ पर जाकर के बाइंड करना शुरू करेंगे आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो अभी बने हैं I2 जिसको हम बोल रहे थे, ये जाकर के टायरोसिन के साथ बाइंड करेंगे, और वही सेम चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है, क्लियर। यहाँ पे अगर टायरोसिन के साथ 1 आयोडीन मॉलिक्यूल अगर बाइंड करेगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज मोनो आयोडो टायरोसिन,
अगर यहाँ पे टायरोसिन के साथ दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई आयोडो टायरोसिन। तो यहाँ पे मेनली दो चीजें हो रही हैं, या तो आयोडीन, एक आयोडीन जाकर के इस टायरोसिन के साथ बाइंड करे, टायरोसिन जो कि किसका पार्ट है, टीजीबी प्रोटीन का। ये जो टीजीबी प्रोटीन है पिंक कलर में आप ये देख रहे हैं, इसका पार्ट है यहाँ पे टायरोसिन। और टायरोसिन अमाइनो एसिड में अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसको हम मोनो आयोडो टायरोसिन बोलते हैं, दैट इज एम आई टी। और अगर दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे तो हम उसको डी आई टी बोलेंगे, यानी डाई आयोडो टायरोसिन। क्लियर। फिर आता है यहाँ पे फिफ्थ स्टेप, जिसमें क्या होता है, दिस वन इज द स्टेप नंबर 5। यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे T3 एंड T4 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कैसे होगा, कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। हमने क्या बोला था, मोनो आयोडो टायरोसिन, जिसको हम और क्या बोलते थे, एम आई टी। तो क्योंकि इसमें एक ही आयोडीन लगा है इसलिए हम इसको T1 भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा बना था उसको हम बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, जिसको हम डी आई टी भी बोल सकते हैं, और इसमें क्योंकि दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम इसको T2 भी बोल सकते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कपलिंग ऑफ T2। यहाँ पे मेनली होगा क्या वो देखते हैं। अब यहाँ पे बनेंगे T3 एंड T4। T3 और T4 कैसे बनेगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर एक T1 और एक T2 अगर ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें तो यहाँ पे कितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल T3 तीन आयोडीन मॉलिक्यूल्स हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे मोनो आयोडो और डाई आयोडो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये T3 मॉलिक्यूल बना देगा। लाइकवाइज अगर दो T2 मॉलिक्यूल्स मिले आपस में, कपल हुए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये T4 मॉलिक्यूल बनेगा। वही सेम चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हो रहा है हमारे ल्यूमन में, फॉलिकुलर ल्यूमन में प्रेजेंट है। इस प्रोसेस जगह को हम कोलोइड भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे स्टेप नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन। ये है हमारा स्टेप नंबर 6। यहाँ पे मेनली आप देखो हो क्या रहा है, ये यहाँ पे T3 और T4 का फॉर्मेशन तो हो गया। अब ये T3 और T4 का जो फॉर्मेशन होगा वो जाकर के क्या करेंगे, T3 एंड T4 जाएंगे और जाकर के बाइंड करेंगे यहाँ पे फॉलिकुलर लेयर के साथ, और ये वाया द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया यहाँ पे ये पिंचिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ से री एंटर कर जाएंगे इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो फॉलिकुलर लेयर है वहां पे ये री एंटर करेंगे, यानी ल्यूमन से मूव करके T3 T4 जो अभी बने हैं वो वापस आ जाएंगे किसमें, फॉलिकुलर लेयर के अंदर। यानी मेनली यहाँ पे हुआ क्या, पिनोसाइटोसिस करके ये हमारा T3 एंड T4 जो बना था ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा हमारे फॉलिकुलर लेयर के अंदर। तो ये यहाँ चला गया, चलिए जी ये यहाँ से इसके अंदर एंटर कर गया, और ये जो T3 और T4 बना था इसके साथ और क्या अटैच्ड है, इसके साथ अटैच TGB मॉलिक्यूल भी तो है, क्योंकि ये से अलग तो हुआ नहीं है अभी तक, तो ये इसके साथ साथ ही अंदर जाएगा फॉलिकुलर सेल्स में। जब ये जाएगा वहां पे ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये मर्ज करेगा किसके साथ, लाइसोजोम के साथ। लाइसोजोम्स के पास क्या प्रेजेंट होती हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं ये मेनली जाकर के इसके ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर। अब ये जब ये इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो क्लीव कर देगा, इस TGB को अलग कर देगा और T3 और T4 को अलग कर देगा, राइट। तो वही सेम चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये TGB जो है वो यहाँ से अलग हो गया और ये वापस से सीक्रेट हो जाता है फॉलिकल्स में, और T3 T4 जो है वो वहां से अलग हो गए और है अभी ये कहाँ पे, प्रेजेंट इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स ओनली। तो ये अभी भी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स की लेयर के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। सो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7, यानी ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप में क्या होगा, अब मेन लिए T3 और T4 तो बन गए, और जो T3 एंड T4 हार्मोन्स हैं वो हमने शुरू में ही क्या डिस्कस किया कि ये लाइपोसॉल्युबल हैं, ठीक है, लाइपोसॉल्युबल यानी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए दे विल क्रॉस दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी ये फॉलिकुलर सेल्स को भी क्रॉस कर लेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी क्रॉस कर लेंगे, और ये पहुंच जाएंगे कहां, ब्लड के अंदर, यहां ये ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो यहां से ये रिलीज होकर के यहां पहुंच जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 7, दैट इज सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और हमने क्या बोला कि T4 का सिंथेसिस जो होगा ऑलवेज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू T3, ये स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, और फिर जब जरूरत होती है तो ये T4 से T3 में कन्वर्ट होता है, कैसे, डीआयोडिनेज एंजाइम के थ्रू। डीआयोडिनेज मतलब रिमूवल ऑफ वन आयोडीन, तो ये जो एंजाइम है ये एक आयोडीन को यहाँ से क्या करता है, मेनली ये रिमूव कर देता है, और इसलिए ये T4 से ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये मेनली
ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है T4, और ये हमारा यहाँ से जो होता हुआ दैट इज़ फॉलिकुलर सेल से होता हुआ ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8 में मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। अब ब्लड में ये T3 और T4 अपने आप नहीं घूम रहे होते हैं, ब्लड में ये कैसे घूमेंगे, ये ब्लड में जो रहेंगे या इनको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है TBG प्रोटीन। TBG इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG, क्लियर। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये TGB है, ये जो यहाँ पे प्रोटीन था ये TGB प्रोटीन बन रहा था इधर, दिस इज कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, आप देखो यहाँ पे TGB इज थायरोग्लोबुलिन एंड TBG इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो ये TBG के साथ बाइंड करेगा यहाँ पे, जो आप देख रहे हो यहाँ पे मेनली T3 एंड T4 इसी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, और फिर ये ब्लड में ट्रैवल करेगा, तो ये ब्लड में ट्रैवल करके जहाँ भी इसको नीड होगी वहाँ तक जाएगा, और वहाँ से फिर ये टारगेट सेल्स में पहुँचा दिया जाएगा वाया द ब्लड कैपिलरीज। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, जहाँ पे मेरा पेज नेम सेम है, दैट इज़ ACE पाठशाला, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।